कानपुर एनकाउंटर कांड में एक नया मोड़ सामने आ गया है। चौबेपुर थाना अध्यक्ष विनय तिवारी की भूमिका संदिग्ध है। विनय तिवारी से एसटीएफ की टीम ने पूछताछ की है। एनकाउंटर में विनय तिवारी सबसे पीछे चल रहा था। खबर तो यह भी है कि विनय तिवारी ने ही जानकारी दी। न्यूज नेशन के सवालों से बचते नजर आए विनय तिवारी। देखिए बिक्रू मामले में वारदात के बाद जो एसओ चौबेपुर है विनय तिवारी वो हमारे साथ है। विनय जी, जो आप पे बात आरोप लग रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अपनी बात अपनी सफाई तो कम से कम रख दीजिए। नहीं ठीक है, नहीं मतलब कुछ तो जो बात उठ रही है उसको लेकर कम से कम एक सफाई आप पेश कर सकते हैं कि आप पे जो बात उठ रही है आपसे पूछताछ की गई। माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा। आपसे पूछ नहीं तो ये कहा जा रहा है कि जब आप दबिश देने आए थे तो आप सबसे पीछे थे, इस मामले में क्या कहेंगे? कोई बात नहीं करनी मुझे इस बारे में। अच्छा, आप जब आए थे तो वारदात से दो दिन पहले क्या यहाँ पर विकास दुबे से हाथापाई हुई थी, क्या था पूरा मामला तो बता दीजिए। विनय जी कम से कम सच्चाई तो आपको रखनी चाहिए ना। रखी जा रही। आपसे हाथापाई की थी विकास दुबे ने? चलिए, इस पूरे मामले में जो विनय तिवारी है वो फिलहाल बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जो भी जानकारी है वो हमें अधिकारियों से लेनी होगी, लेकिन फिलहाल तफ्तीश जारी है और मुख्य आरोपी जो विकास दुबे है उसको यहाँ पुलिस ढूंढने के लिए लगातार दबिश दे रही है। ब्यूरो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ नेशन, कानपुर।